प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र का यह पार्ट थ्री है। इससे पूर्व के दो पार्ट्स में हम मौर्यों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज इस पार्ट तीन में मौर्यों के सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश था उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि आप प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस ज्ञानधारा चैनल के साथ बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब शुरू करते हैं आज का भाग। हम पार्ट टू में चर्चा कर रहे थे अशोक के अभिलेखों के बारे में कि अशोक के जो अभिलेख हैं ये तीन लिपि में प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी और तीसरा ग्रीक, यूनानी एवं अरमाइक। तो इनमें से ध्यान देना, जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें जो द्विभाषीय अभिलेख है वो शार ए कुना कंधार से प्राप्त हुआ है। अशोक के अभिलेखों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। नंबर एक पर आते हैं इसके शिलालेख, नंबर दो पर आते हैं लघु शिलालेख, नंबर तीन पर आते हैं स्तंभ लेख, नंबर चार पर आते हैं लघु स्तंभ लेख और नंबर चार पर आते हैं गुहा लेख। अब हम बात करते हैं शिलालेखों की। तो जो ये शिलालेख हैं ये वृद्ध 14 विभिन्न लेखों का समूह है। शिलालेख हैं, इसके अंतर्गत 14 वृत्त लेख हैं, इनका संकलन किया गया है और ये शिलालेख 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं। ये एक बहुत अति महत्वपूर्ण इससे प्रश्न बनता है। नंबर एक शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान से, नंबर दो मनसेहरा हजारा पाकिस्तान से, नंबर तीन कालसी उत्तराखंड देहरादून से, नंबर चार गिरनार गुजरात काठियावाड़ से, नंबर पाँच धोली उड़ीसा से, नंबर छः जोगढ़ उड़ीसा से, नंबर सात एरागुड़ी आंध्र प्रदेश से, नंबर सात शोपारा महाराष्ट्र से। तेरवा जो शिला, इसके शिलालेखों की संख्या 14 है। इसमें से जो तेरवा शिलालेख है वो कलिंग विजय से संबंधित है, इसलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कलिंग विजय के बाद में ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और युद्ध विजय के बदले उसने जो बल दिया था वो धम्म विजय पर बल दिया था। इसका जो 12वां शिलालेख है वो धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव पर आधारित है। अशोक के पड़ोसी शासकों की हम चर्चा करें तो इसके 5 पड़ोसी शासक थे। इनमें सीरिया में एंटियोकस सेकंड, मिस्र में टॉलेमी फिलाडेल्फस कहते हैं जिसे, मकदूनिया में एंटीगोनस, सिरीन का मगश और एपिरस का अलेक्जेंडर और दक्षिण में जो शासक थे उनमें चोल, पांडे और श्रीलंका था। इस अभिलेख में कहा गया है कि देवानाम पीए ने अपने समस्त सीमावर्ती राज्यों पर विजय पाई, जो 600 योजन तक का क्षेत्र है। ध्यान देना 12वां जो शिलालेख है इसमें अशोक को देवानाम पीए कहा गया है। ये एक अलग से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अशोक का नाम देवानाम पीए कहाँ उल्लिखित है, तो ये इसके 12वां जो शिलालेख है उसमें इसका नाम देवानाम पीए उल्लिखित है और उसमें बताया गया है कि अशोक का जो राज्य था, साम्राज्य था, वो 600 योजन तक विस्तृत था। कलिंग शिलालेख, अब बात करते हैं इसके प्रथम अतिरिक्त शिलालेख की। प्रथम अतिरिक्त शिलालेख जो कि धोली उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, इसमें संबोधित किया गया है किनको, इनमें संबोधित किया गया है तोसली क्षेत्र के अधिकारियों को, महामात्रों को और न्याय अधिकारियों को। उन्हें कहा गया है निष्पक्ष, पूर्वाग्रह रहित, जागरूक होकर जनता की सेवा करें। इस प्रथम जो अतिरिक्त शिलालेख है इसमें तोसली जो क्षेत्र है उसके अधिकारियों, महामात्रों, न्याय अधिकारियों को कहा गया है कि वो जनता के लिए निष्पक्ष होकर, पूर्वाग्रह रहित होकर के, जागरूक होकर के और उनकी सेवा करें, जनता की सेवा करें।
ये तो थे अशोक के वृद्ध शिलालेख। अब बात करते हैं नंबर दो, इसके लघु शिलालेखों की। अशोक के जो लघु शिलालेख हैं वो इन 13 स्थलों से प्राप्त हुए। इनमें नंबर एक है रूपनाथ, नंबर दो सासाराम, नंबर तीन दिल्ली, नंबर चार गुर्जरा, नंबर पांच मास्की, नंबर छह बाबरू बैराट, नंबर सात ब्रह्मगिरी, नंबर आठ सिद्धपुर, नंबर नौ जटिंग रामेश्वर, नंबर 10 एरागुडी, नंबर 11 पालकी गुंडू, 12 राजुल मंडगिरी और 13 अहरौर यूपी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। बात करें अशोक को उसके व्यक्तिगत पर्टिकुलर नाम से कहाँ कहाँ किन किन शिलालेखों में पुकारा गया है, तो अशोक को उसके व्यक्तिगत नाम से पुकारा गया मास्की शिलालेख में, जो कि रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। गुर्जरा शिलालेख जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। उदय गोलम शिलालेख जो कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। और नेटूर शिलालेख जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इनमें अशोक को उसके व्यक्तिगत अर्थात खुद अशोक नाम से पुकारा गया है। मास्की जो शिलालेख है उसमें अशोक का नाम अशोक देवा नाम प्रिय मिला है। अब बात करते हैं इसके स्तंभ लेखों की। ध्यान देना, हमने इसके लेखों को 5 भागों में बांटा था। नंबर एक वृत्त शिलालेख, नंबर दो लघु शिलालेख, नंबर तीन स्तंभ लेख। तो अभी स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभ लेख कुल संख्या में 7 है। ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है इससे कि अशोक स्तंभ लेख कितने, 7 है। और ये 6 जगहों से प्राप्त हुए हैं। ये 6 जगह है दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरी अर्राज, लोरी नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग इलाहाबाद से। यहाँ यहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्रयाग का जो शिलालेख है वो पहले कौशाम्बी में स्थापित था। प्रयाग का जो इलाहाबाद वाला शिलालेख है ये पहले कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। अब नंबर 4 बात करते हैं इसके लघु स्तंभ लेखों की। हमने इसके इस शोक के जो लेख थे इनको 5 भागों में बांटा था। नंबर एक वृद्ध शिलालेख, नंबर दो लघु शिलालेख, नंबर तीन स्तंभ लेख और नंबर 4 पे है लघु स्तंभ लेख। तो लघु स्तंभ लेख हैं, 5 जगह से प्राप्त हुए हैं। सांची मध्य प्रदेश रायसेन से, सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी से, कौशाम्बी इलाहाबाद से, निगलिया नेपाल से, रुमनदेही नेपाल से। कौशाम्बी का जो लघु स्तंभ लेख है, अशोक ने अपने महामात्रों को इसमें आदेश दिया है कि वो संघ भेद को रोकें, अर्थात संघ में भेद पैदा नहीं होने दें। इस कौशाम्बी के जो लघु स्तंभ लेख है इसमें अशोक ने अपने जो जितने भी धर्म महामात्र थे उनको यही आदेशित किया है कि वो संघ में विभाजन को रोकें। इसके अलावा कौशाम्बी का जो लघु स्तंभ लेख, इसमें अशोक की जो रानी करुआ की है उसको ये दान दिए जाने का भी उल्लेख इसमें मिलता है। ये करुआ की तीवर की माँ थी, अशोक का पुत्र एक तीवर हुआ उसकी माँ थी। इसके अलावा जो कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख है इसका उपनाम है रानी का अभिलेख, क्योंकि इसमें अशोक की रानी करुआ की के दान देने इत्यादि का उल्लेख किया गया। रुमनदेही अभिलेख की यदि बात करें तो रुमनदेही अभिलेख अशोक काल की कर व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इसमें एक प्रश्न यही बनता है कि अशोक के कर इत्यादि की जानकारी हमें उसके किस शिलालेख से मिलती है, सॉरी किस स्तंभ लेख से मिलती है, तो वो है रुमनदेही का लेख। बुद्ध के जीवन से संबंधित पवित्र स्थलों जिसमें अशोक ने यात्रा की उनकी जानकारी हमें इससे मिलती है। यह अशोक के शासनकाल के 20वें वर्ष का है। रुमनदेही का जो अभिलेख है वो अशोक के शासन काल में जो उसका 20वां वर्ष था उस समय इसकी रचना की गई थी। अब बात करते हैं अशोक के अंतिम स्तंभ सॉरी शिलालेखों की, तो उसमें बात आती गुहा अभिलेख। अशोक के जो गुहा अभिलेख है वो बाराबर की पहाड़ियां बिहार से प्राप्त हुए हैं। ध्यान देना, हमने पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि इस अशोक ने और उसके पौत्र दशरथ ने पहाड़ों में गुफाएं बना करके और वहां पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण किया था। इनमें अशोक की 4 गुफाएं ये जो बाराबर पहाड़ियां बिहार में, यहाँ पर इन्होंने
बौद्ध जो महामहत भिक्षु थे उनके लिए गुफाएं बनवाई थी। और ये गुफा, इनमें चार प्रसिद्ध हैं, कर्ण, चोपड़, सुदामा और लोमस ऋषि। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनमें से जो लोमस ऋषि की जो गुफा है वो अपने अलंकृत प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है। मौर्य काल में यदि हम उद्योग की बात करें तो मौर्य काल में जहाज निर्माण का जो उद्योग था, जिसकी चर्चा मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में की है, इस समय का प्रसिद्ध उद्योग था। और इन उद्योगों में हम बात करें तो जो बंगाल जो था वो मलमल के लिए प्रसिद्ध था। इसका यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे कि मौर्य काल में बंगाल किस लिए प्रसिद्ध था, तो मलमल के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार से मौर्यों से संबंधित इतिहास के क्रम में हमने अधिकाधिक संकलन करने का प्रयास किया है। प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में यदि प्रश्न आया मौर्यों से संबंधित तो शायद इससे कुछ अलग हो। तो इस प्रकार से हमने प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रथम टॉपिक था मौर्यकालीन संस्कृति, उसको इन तीन पार्टों में समाप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार से इन तीन पार्ट्स में हमने जो है मौर्यों की संस्कृति को संपूर्ण किया। अब प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र की श्रृंखला में पार्ट चार में हम चर्चा करेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल के सांस्कृतिक विकास, चित्रकला आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए यदि आप प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस ज्ञानधारा चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस पार्ट 3 में